ग्रीष्मा वेकरिया हत्या केस में ग्रीष्मा के चाचा जिनको फैनिल ने चप्पा मार के घायल किया था, वो आज 18 दिन के बाद कोर्ट में जुबानी देने के लिए आए थे व्हीलचेयर पे। और उसी दौरान जब वो अपनी जुबानी कोर्ट में दे रहे थे, उसी दौरान बीच में फैनिल गिर पड़ा। और जैसे ही जज ने उन्हें देखा कि फैनिल बेहोश होके गिर पड़े, तभी जज ने तुरंत उनको सिविल हॉस्पिटल में 108 के द्वारा भेजा गया। तब वहाँ सिविल हॉस्पिटल में उसका ECG, शुगर, ब्लड प्रेशर का रिपोर्ट क्लियर कराया और रिपोर्ट नॉर्मल आए। और सिविल हॉस्पिटल में पुलिस और डॉक्टर के सामने फैनिल बोला, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना और पानी दो। उसके बाद वहाँ पे उसे पानी और जूस दिया गया और ट्रीटमेंट ख़त्म होने के बाद उसे फिर से कोर्ट में हाजिर किया गया।